हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरा YouTube चैनल पर। दोस्तों, आइए आज का इस वीडियो में दो बड़े संख्याओं का भाग देना गणित के ट्रिक के माध्यम से हम लोग सीखेंगे। इसलिए दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ जाए दोस्तों, तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सपोर्ट करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यह चैनल नया है। दोस्तों, हमने यहाँ पर तीन प्रश्न लिया है, इसलिए आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और है कि इन तीनों प्रश्नों का हल जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं जो ट्रिक बतलाऊंगा वो एक जगह ऐसा आएगा जहाँ वो ट्रिक अप्लाई नहीं होगा, और वैसी स्थिति में हम कैसे दो बड़े संख्याओं को आसानी से भाग देंगे वे भी बतलाएंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, चलते हैं, पहला समस्या को लेते हैं और आपको इसका हल मैं बतलाता हूं। पहला प्रश्न हमारा क्या है कि 42 से भाग देना है 3972। तो दोस्तों, यहां पर देखिए 42 का पहाड़ा और इतना यानी टेबल हमको पता नहीं होता है 42 का, तो गणित का ट्रिक क्या बतलाता है, आपको 42 का टेबल नहीं पढ़ना है बल्कि 4 का टेबल पढ़ना है, जो हम ट्रिक बतला रहे हैं। तो देखिए, 4 से 3 छोटा है तो नहीं चलेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों नंबर ले लेंगे। तो ये दोनों नंबर कितना है दोस्तों, 39 है। और दोस्तों, यहाँ 4 का टेबल आपको ऐसा पढ़ना है कि आपको 39 आ जाए या इससे कम आए, ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो 4 एकम 4, 4 दुनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36 और 4 10 40, यानी 4 नाम जो होता है 36 होता है। दोस्तों, यहाँ पर आपको 9 लिखना है, तो यहाँ पर आपको 36 नहीं लिखना है। अब आपको क्या करना है, इस 9 से ही दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9 दुनी कितना हो गया, 18 हो गया, और 4 9 36 और 1 कैरी किया था 18 से, तो 36 और 1 कितना हो गया दोस्तों, 37 हो गया। अब आप क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। तो दोस्तों, 17 में से 7 में तो 8 घटेगा नहीं, यहाँ से 1 कैरी ले जाएंगे, तो 17 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 17 में से 8 ले जाएंगे तो 9 बच जाएगा। उसके बाद यहाँ कितना बचा दोस्तों, 8 बचा, 8 में से 7 जाएगा तो 1 बचेगा, 3 में 3 जाएगा तो 0 बचेगा, तो हम लोग इसको क्रॉस कर देते हैं, राइट। अब ये आपका 3 क्या हुआ, यहाँ 2 क्या हुआ, यहाँ पर साइड में उतर जाएगा, अब 192 आ गया। तो फिर हम वही ट्रिक का अप्लाई करेंगे कि टेबल तो हमको आता नहीं है इसका, तो हम केवल टेबल किसका पढ़ेंगे, 4 का पढ़ना है। तो दोस्तों, 4 एकम 4, 4 दुनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 5 20, यानी 5 बार जाते हैं 20 चलता है, लेकिन 4 चौक कितना होता है, 16 होता है। तो दोस्तों, आपको यहाँ 16 नहीं लिखना है, बल्कि आप ये 4 को यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 4 दुनी कितना हो गया, 8 हो गया, 4 चौक कितना हो गया दोस्तों, 16 हो गया, इसको माइनस कर दीजिए तो आपको कितना आ जाएगा, देखिए 12 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 4 बचेगा, यहाँ बचा कितना, 8 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा, 2, और दोस्तों यहाँ पर क्या हो गया, 0, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, क्रॉस कर देंगे। तो दोस्तों, ये आपका क्या निकल गया, बल्कि ये आपका शेषफल निकल गया है दोस्तों, और ये आपका क्या निकल गया, भागफल निकल गया। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, राइट। दोस्तों, दूसरी समस्या देखिए, इसमें क्या है कि 732 से आपको भाग कितना देना है, तो यहाँ 1872 को डिविजन करना है। तो इतनी बड़ी संख्या का टेबल किसी को आता नहीं है, तो भाग देंगे हम लोग कैसे आसानी से। तो दोस्तों, जो ट्रिक हम अपने एक नंबर का जो ट्रिक हल किए थे, वही ट्रिक यहाँ भी अप्लाई कीजिए। तो दोस्तों, ये क्या करना है, आपको 7 का टेबल पढ़ना है, बल्कि 732 का नहीं पढ़ना है, किसका पढ़ना है, 7 का। तो 7 से 5 छोटा है तो हम कितना ले लेंगे, 59 ले लेंगे। अब 7 का टेबल पढ़ेंगे, 7 एकम 7, 7 दुनी 14, 7 3 21, 7 चौक 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63 और 7 10 70। तो यहाँ हमको कितना है, 59 है, तो 7 9 63 भी ज्यादा हो जाता है, तो 7 8 कितना होता है दोस्तों, 56, इससे कम आ गया, यानी 7 9 63 इससे ज्यादा हो रहा है, और 7 8 56 आपको क्या आ रहा है, कम आ रहा है।
तो हमको 8 लिख लेना है। तो दोस्तों आपको 8 से इसको मल्टीप्लाई करना है, ये यहाँ पर नहीं लिखना है बल्कि इसको लिखना है। तो अब हमको देखिए ये मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 8 × 2 = 16 आ गया, हासिल रह गया 1, और यहाँ 8 × 3 = 24, 24 आ रहे कितना हो गया 25 हो गया दोस्तों, फिर हासिल रह गया 2, 8 × 7 = 56 और 2 कितना हो जाएगा 58, 56 और 2 कितना हो गया 58 हो गया दोस्तों। अब आपको माइनस कर देना है, 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा, 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, 5 में 5 जाएगा 0 बचेगा, इसको हम लोग क्रॉस कर देते हैं। अब आपको कौन बचा रह गया है, ये 2 बचा रह गया, इसको यहाँ पर उतार लीजिए। तो दोस्तों अब वहाँ वही ट्रिक यहाँ लगाइए, 7 × 2 = 14 हो जा रहा है और यहाँ है 13, यानी हमको एक बार टेबल पढ़ना है तो एक बार यहाँ से आप गुना कीजिएगा तो वही चीज आएगा, यानी यही आएगा 7 × 3 = 2 आ जाएगा। दोस्तों इसको माइनस कर लीजिए तो आपको कितना आ जाएगा, ये 0 हो गया। यहाँ पर 11 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा, और उसके बाद यहाँ बच गया कितना दोस्तों 2, 2 में तो 7 माइनस होगा नहीं, तो 12 में से 7 माइनस होगा तो कितना बच जाएगा 580। तो दोस्तों ये आपका 580 हो गया भागफल, यानी ये भागफल आपका कितना हो गया शेषफल आपका कितना हो गया, ये शेषफल हो गया शेषफल, और ये क्या हो गया आपका भागफल। तो दोस्तों भागफल और शेषफल हम दूसरी संख्या का भी जो दो बड़ी संख्या था उसको हम लोग गणित के ट्रिक के माध्यम से निकाल। दोस्तों आज का वीडियो का अंतिम प्रश्न और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है आज का वीडियो का कि 38 से भाग देना है आपको कितना, तो भाग देना है 14372 को, 38 से भाग देना है। तो दोस्तों अभी जो मैंने ट्रिक आपको बतलाया है वो ट्रिक देखिए यहाँ अप्लाई नहीं होगा, तब हम क्या करेंगे। अभी आपको मैं ट्रिक क्या बतलाया था कि हमको 38 का टेबल नहीं आता है तो हम 3 का टेबल पढ़ेंगे दोस्तों। तो 3 का टेबल एक तो छोटा है तो 2 को लेंगे 14 हो जाएगा, तो आप पढ़िएगा कितना, तो आप पढ़िएगा 3 × 3 = 3, 3 × 6 = 3, 3 × 9 = 3, 4 = 12। तो दोस्तों यहाँ पर 4 बार हम लोग पढ़ते हैं आकर के 3 × 4 = 12 हो जाता है, 3 × 5 = 15 हो जाएगा, तो 15 ज्यादा होगा, 4 लेना चाहिए। तो 4 लेने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो दोस्तों 8 × 4 कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 8 × 4 = 32 हो जाएगा, हासिल रह गया 3 और 4 × 3 कितना हो गया 12 13 14 15, यानी कि ये ज्यादा हो गया दोस्तों। यहाँ पर क्या हो गया, ये ज्यादा हो गया। ऐसी स्थिति में आप इसको हल कैसे करेंगे दोस्तों, तो यहाँ 4 नहीं लिख करके आपको 3 करना होगा, यानी इस प्रकार के समस्या में आपको थोड़ा सा हीट एंड ट्रायल के मेथड के हिसाब से आपको थोड़ा काम करना होगा। यानी 8 × 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 24 हो गया, और 3 × 3 = 9 और 2 कितना हो गया 11 हो गया। अब इसको आप माइनस कर लीजिएगा, यानी 3 में तो 4 घटेगा नहीं, तो 13 में से 4 जाएगा तो 9 बचेगा, यहाँ बचा कितना 3, 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, 1 में 1 जाएगा तो 0 बचेगा, इसको हम लोग क्रॉस लिखते हैं, और यहाँ पर आ गया 7। तो दोस्तों अब फिर आपका देखिए यहाँ पर वे अप्लाई नहीं करेगा कि आप 3 का टेबल पढ़िएगा तो 9 × 3 = 27 हो जाएगा और 3 × 2 = 30 हो जाएगा, यानी हिसाब के जो हम ट्रिक बताए उसके हिसाब से 9 लिखना चाहिए। तो 9 से अगर आप गुना करते हैं तो 8 × 9 कितना होगा 72 हो जाएगा, और 9 × 3 = 27 और 7 कितना हो जाएगा 27 और 7 हो जा रहा है आपका कितना 34 हो जा रहा है, जो ज्यादा हो जा रहा है। तो दोस्तों आपको 9 बार नहीं लेना है बल्कि आपको कितना बार चलाना है, यहाँ पर 8 बार चलाना है। तो 64 हो गया दोस्तों, हासिल रह गया 6, 8 × 3 = 24 और 6 कितना हो गया 30, अभी भी आपका नहीं आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर 8 भी आपको नहीं चलेगा बल्कि आपको कितना एग्जैक्ट आपका कितना आएगा 7 आएगा, 8 × 7 = 56 हो गया, हासिल रह गया 5, 7 × 3 = 21 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों 21 और 5 कितना हो गया 26 हो गया। यहाँ पर देखिए दोस्तों 7 में से 6 जाएगा 1 बचेगा, 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा, 2 में 2 से जाएगा कितना 0, इसको हम लोग क्रॉस कर देते हैं और ये यहाँ पर आपका 2 उतर गया है। दोस्तों अब यहाँ पर फिर आप देखिए कि इसको अगर आप गुना करते हैं तो 3 का पहाड़ा पढ़िएगा तो 3 × 2 = 30 होता है, तो 10 बार तो नहीं है चलते चलते हैं हम लोग, 9 बार अगर चलाते हैं
तो 9 बार चलाते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 9 72 हो गया, हासिल रह गया 7, 9 3 27 और 7 कितना हो जा रहा है, 34 हो जा रहा है, अभी भी ज्यादा हो रहा है। तो दोस्तों 9 बार नहीं करके आपको कितना बार चला देना है, 8 बार चलाना है। तो 8 बार चला के 8 8 कितना हो गया, 64 हो गया दोस्तों। उसके बाद 8 3 24, अच्छा कितना हो गया, तो 30 हो गया दोस्तों। अब आप इसको माइनस कीजिएगा तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, यहाँ 2 से तो 4 घटेगा नहीं, यहाँ एक कैरी लाएंगे, 12 में से 4 जाएगा, 8 बचा, यहाँ 0 में 0 जाएगा तो 0 बचेगा, क्रॉस कर दिया, 3 में 3 जाएगा तो ये क्रॉस हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि भागफल आपका कितना आ गया है, भागफल आपने निकाल लिया है और वो निकल गया है ये भागफल, और ये आपका क्या निकला दोस्तों, शेष फल निकला है। तो दोस्तों इस प्रकार से दो बड़े संख्याओं का गणित के ट्रिक के माध्यम से आप बहुत आसानी से भाग कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन पर अपना कमेंट जरूर लिखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आ गया हो, लाइक करना अगर भूल गए हैं तो जल्दी से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे इसी प्रकार का दूसरा वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद।